तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो हम फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि आज का वीडियो होने वाला है स्टोर से रिलेटेड। क्योंकि मुझे कमेंट आया हुआ था कि आज जो भी स्टोर का फुल एक दिन का क्या काम होता है, क्या रिक्वेस्ट होता है, कैसे क्या होता है, फुल डे का मैंने स्टोर कीपर से ही बहुत रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है। वो देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है, फुल डे का एक वीडियो होने वाला है, उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्टोर कीपर का। ये एग्जैक्ट में स्टोर कीपर का काम क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब मैं आपको दिखाऊँगा। और फुल, क्योंकि मेरे फ्रेशर भाई लोग समझ जाएँ कि काम कैसे होता है और क्या होता है, एक दिन में फुल मैं दिखाने वाला हूं अभी आपको। हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है, जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है, तो टॉपिक है स्टोर कीपर वर्क। स्टोर कीपर का काम वर्क फुल डिटेल्स वन डे का मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो मैंने कुछ सामान इनपुट भी किया है, यानी आया है, और कुछ आउटपुट भी हुआ है। तो मैं सारी डिटेल्स दिखूंगा, वो आपको लाइव भी दिखाने वाला हूँ। वैसे लाइव चला सकता हूँ, लेकिन लाइव नहीं चला रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आपको जैसे बताऊंगा तो समझ में अच्छा आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या काम होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ डिटेल्स मैं दिखाने वाला हूँ अभी आपको। तो बाद में अभी पहले पेपर वाइज दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने सिस्टम पे। सिस्टम से भी हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, फुल डिटेल्स में बताना। क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आया हुआ था कि भाई सर वीडियो बनाएं, फुल डिटेल्स का वीडियो बनाएं, वन डे का वीडियो बनाएं, बहुत सारा कमेंट आया हुआ था। तो मैं आज उसी पर बात करूँगा कि स्टोर कीपर का फुल डे वर्क क्या होता है, कैसे सामान को आउटपुट किया जाता है, इनपुट कैसे किया जाता है। मैं कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ आपको, और बुक से भी दिखा दे रहा हूँ, और चल के कुछ काम करके भी दिखा दूँगा मैं कंप्यूटर पे। तो अभी हम लोग स्टोर कीपर का फुल डिटेल्स जानेंगे कि कैसे काम होता है और कैसे क्या होता है, क्योंकि ये हमारे फ्रेशर भाई लोगों के लिए सीखने में बहुत ही आसान होगा, ईजी होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और जो ना समझ में आए कमेंट भी कीजिएगा हमें, तो उसके हिसाब से ही वीडियो बना दूंगा। ये भी कमेंट के हिसाब से ही वीडियो बन रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आ चुके हैं अपने सिस्टम पे, टेबल पे आ चुके हैं। अब वहाँ से हम आपको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे, पहले ये काम बताएंगे, मैनुअली बताएंगे, फिर आपको यहाँ सिस्टम से भी बताएंगे। क्योंकि आपका क्वेश्चन था फुल डे का क्या काम होता है, वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो आइए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या चीज़ है मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये एक हो गया आपका, कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था, जो अभी वो मैंने जो ऑर्डर किया था वो इनपुट वाला सामान सप्लायर लाया दूसरे कंपनी से, ये हो गया आपका इनपुट, ओके। और ये हो गया आपका मटेरियल रिक्वेस्ट ऑर्डर, ये जो है ये आउटपुट होगा आपका। तो जैसे आपको वीडियो दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ पे बात कर सकते हैं उनसे। तो पहले वन डे का क्या काम होता है यहाँ आप देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरा पहले का पेपर है, यानी इन स्टार्ट मंथ का है। तो यहाँ देखिए डेट लिखा है पहले, सबसे पहले कितने डेट में सब सामान जा रहा है, ये डेट लिख लिया हम लोग 1/4/2022, ओके। इसमें अब आपको समझना है कि ये टू स्टोर्स मैनेजर ये ऑल है, कैंडिडेट दो मेंटेनेंस का ये सामान है, ये मेंटेनेंस का पेपर है, मेंटेनेंस का सामान इसमें जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि जो भी आदमी आएगा सामान ले जाने के लिए, तो ये आपको दिख रहा होगा रेगुलेटर पास लिख रहा है, ये आपका वाटर बाईपास है, यहाँ नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे, यानी
आपको जो भी आदमी सामान ले जाएगा सीरियल वाइज लिखना है। यहाँ पे हम लोग ये पेज फुल कर लेंगे जैसे, और समझा दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि लंबा काम है, स्टोर कीपर का थोड़ा काम सीखना है तो वीडियो लंबा होगा, तो उसके लिए आप लोग समझ रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, अब वाटर हीटर हो गया, एक पीस है, हर चीज़ का कोड आता है, क्योंकि कोड अभी नहीं लिखा है, मैं सब अभी लिखने वाला हूँ, कोड कोड भी लिखूंगा इसका, मैंने यानी आपको ये चीज़ जो इतना जो समझना है वो समझे, क्योंकि कोड जो होगा आप जब आएंगे बाहर यहाँ फॉरेन में तो आपको कोड वाइज सामान होता है, तो कोड आपको खुद मिलेगा, कोड आप समझ लीजिएगा, कोड के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपका कोड हो गया, मेरा ये हीटर का कोड है, और यहाँ से ये देखिए कहाँ गया, ये बिल्डिंग में गया, ये मेरा बिल्डिंग है एक मेरे फुजेरा में, वो बिल्डिंग में सामान जाता है, ये सब वाटर हीटर हुआ, गर्म पानी वाला वाटर हीटर, ये देखिए बिल्डिंग गया, किस बिल्डिंग में गया, 902 में, इस कंपनी का जो मेरा कंपनी, इसका एक बिल्डिंग है फुजेरा में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो ये हो गया आपका मेटेरियल डिस्क्रिप्शन, जो मटेरियल रिक्वेस्ट लिखवाएगा, यूनिट यानी पीस लिखाएगा, क्वांटिटी यानी कितना क्वांटिटी लेके गया आदमी वो सब लिखाएगा। यहाँ पर आइटम नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं बताऊँ कि यहाँ पर हर चीज़ कोड के हिसाब से होता है, टू बी यूज्ड इन, यानी ये यूज्ड कहाँ हुआ है वो पहले से लिखाएगा, सही है ना। इधर बिल्डिंग है, बॉयलर है, B9 है, जो फार्म है हम लोग का, ये वर्कशॉप है। तो सबसे पहले ये मटेरियल क्वेश्चन जो आउटपुट है ये आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से, मैंने जितना तक बताया आपको, तो आउटपुट को भी इसमें करके दिखाएंगे सिस्टम में, और इनपुट को भी पहले पेपर में समझ लें, फिर आउटपुट में चलते हैं पेपर में, सिस्टम पे। तो ये देखिए ये हो गया, एक सप्लायर जो लाया था इसका नाम है बेजिनॉक्स, बेजिनॉक्स यानी एक ये मेडिसिन है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये मेरे कंपनी में ये सप्लायर लाया, जो सप्लायर आपको लाएगा जो भी सामान, वो आपको पहले क्या करना होगा, पहले करना ये होगा आपको उसका मटेरियल नेम देखना होगा, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, और यहाँ कितना ऑर्डर हुआ है, 20, यानी मेरा 20 पीस ऑर्डर हुआ है, यानी 20 × 5 kg, यानी ये 100 kg हो गया। आपको इसमें बस कुछ करना नहीं है, समझना है, दिमाग लगाना है बस, और ये इनपुट आपको मैंने बता दिया, और भी जो क्वेश्चन हो बताएं मुझे स्पेशल, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट में आप बताऊंगा। तो ये आपका इनपुट हो गया, जो बाहर से ऑर्डर किए होंगे वो सामान आएगा, तो ये हो गया इनपुट, ये हम लोग का हो गया आउटपुट। जो स्टोर का कीपर, इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताने वाला, तो आप समझ सकते हैं मैं कैसे बता रहा हूँ। ये एक और दिखा दे रहा हूँ इनपुट, ये कल का इनपुट है, ये हाईवे डीजल ट्रेडिंग, हम लोग का कंपनी में सप्लायर आता है डीजल का, तो ये कल का मैंने रिसीव किया हुआ है, यहाँ देख लीजिए अलीम खान मेरा नाम है, ये कल का डेट है 13 को, और ये जो है आपको ना बस ये अपना क्वांटिटी आएगा 7000 गैलन, यहाँ डीजल होगा, आपका कंपनी का नाम होगा, और आपको इतना रिसीव करना है सामान। तो ये है इनपुट, यानी क्योंकि मैं आज फुल डिटेल्स बता रहा हूँ स्टोर कीपर का काम कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे पहले आउटपुट को भी लिख देता हूँ, आउटपुट को भी जैसे आउटपुट मैं बता देता हूँ कि कैसे काम होगा, आप वैसे समझ लीजिएगा। ये देखिए ये सीट है, आपको ये सब सीट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये आउटपुट होगा, सही है ना, और ये इनपुट होगा। तो आउटपुट होगा इसके लिए, इसमें ये आउटपुट होगा मटेरियल रिक्वेस्ट, और ये जो इनपुट दिख रहा है आपको, ये जो इनपुट दिख रहा है ये इसमें, ये जो मेरा आइटम है जो मैंने सप्लायर से मंगाया है, इसको इनपुट बोलते हैं, ये इनपुट जाएगा इसमें, तो इसमें इनपुट जाएगा, ये सब अभी आपका बना हुआ है एक्सेस में, ये भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये एक्सेस में बना हुआ है, और एक्सेल में भी आपको मिलेगा, जो एक्सेल में जो सीट सामान होता है। तो ये हो गया आपका इनपुट, और ये हो गया आपका आउटपुट। तो यहाँ से हम लोग डालेंगे, यहाँ से डालने के बाद अपना प्रिंट करेंगे पेपर, प्रिंट करने के बाद वहाँ से हम लोग अपना रिपोर्ट जो होगा मैनेजर को या सुपरवाइजर जो भी होगा अंदर, उसको दिया जाएगा। तो आपको इनपुट और आउटपुट समझ में आ चुका होगा, डेली का मैंने बता दिया आपको, और भी स्टोर का जो फ्रेशर लोग काम सीखना चाहते हैं उसको बताएंगे,
क्या नहीं आता है, क्या आता है, उसके बाद हम आपसे फिर उस मैटर में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो और इसमें दो टाइप से काम होता है, एक ये मैनुअली भी होता है। तो इसमें मैंने अभी आपको जो दिखाया था, इसमें मटेरियल रिक्वेस्ट वो इसमें आएगा और ये मंथली में ऐड होगा। इसमें लिखने के बाद कार्ड बनेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी बता रहा हूँ, और बाकी और डिटेल्स जाइए तो मैं ये करूँगा। ये देख लीजिए, ये एक्सेल में भी इसका कुछ सीट बना हुआ है, जो मेडिसिन का मैं ये बता रहा था ये एक्सेल में है, और जो पोस्टिंग करना है वो होगा एक्सेस में। मेरे भाई लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि दोनों एप्लीकेशन में काम होता है, तो हाँ दोनों एप्लीकेशन में काम होता है, ये एक्सेल है और जिसमें मैं पोस्टिंग करूँगा वो एक्सेस है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, ये बना हुआ है प्रोग्राम एक्सेल में है, बॉयलर का है। ये ड्रग्स है, इसमें दिख रहा होगा ड्रग्स यानी मेडिसिन, ये मेडिसिन का एक्सेल में बना हुआ है, एक्सेल दिख रहा होगा आपको, तो ये एक्सेल में बना हुआ है। और ये ऐसे ही आपको भी शीट बनाना होगा। और अब हम करेंगे पोस्टिंग, तो पोस्टिंग के लिए अब हम चलते हैं अपने, ये मैंने आपको पिछले बार बताया था, अब मैं दिखा देता हूँ एक करके, उसके बाद से आप खुद समझ जाएंगे यहाँ पे कि कैसे पोस्टिंग होता है। ये सीरियल नंबर डालेगा 4189, तो यहाँ पे हम लोग नंबर दिखाए, सीरियल नंबर 4189 आपको दिख रहा होगा। जो समझ में ना आए आप हमें कमेंट करेंगे, मैं बताऊँगा। आज का डेट डालेगा, डेट 14/4, ये हो गया, दिख रहा होगा आपको। अब हम यहाँ पे नंबर वन वाला यानी फर्स्ट वाला, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्या था, यहाँ पे एक इंड्रोफ्लोक्सासीन है, ये भी इंड्रोफ्लोक्सासीन का कार्ड है, इसमें कोड आता है, इसमें स्टॉक कार्ड का कोड आता है। तो यहाँ पे इसका हम लोग ले लेंगे 22150 और इसका 228 आ गया, दिख रहा होगा आपको इंड्रोफ्लोक्सासीन। मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर आए तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। इंड्रोफ्लोक्सासीन हो गया, ओके करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कितना ये आउट हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आज के डेट, ये 14/4 है, 12 आउट हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये अरबी दिख रहा होगा आपको, ये इंग्लिश भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं 12 और नेक्स्ट करके किस एरिया में गया है, तो यहाँ पे B4 दिख रहा होगा वो, ये B4 यहाँ पे डालेगा। एक मैंने आपको समझा दिया, टोटल समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ से ऐसे ही करके ये जितना है सबका कार्ड है, सब पोस्टिंग किया जाएगा ऐसे ही, एक एक हट गया, अब ये दूसरा आएगा इसी लिनियम में, यहाँ पे भी इसी लिनियम में। एक और करके दिखा रहा हूँ, उसका आज से मैं वीडियो बंद करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 22150 इसका कोड है, ये -4 है, ये आपको इसी लिनियम देखा होगा, आ गया होगा। ओके ओके, यहाँ पे 6 लेटर आउट हुआ है और ये सेम आएगा B4। तो होप कि आपको समझ में आ चुका हो, और जो भी ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो मैं अब वीडियो एंड करता हूँ। तो मेरे पास कमेंट आया था, बहुत सारा कमेंट आया था कि फुल डे कैसे होता है, आप एक दिन का पूरा जैसे आंकड़ा निकालें और हम क्या बताएं कि कैसे फुल डे वर्क होता है। तो यही फुल डे वर्क है, सुबह से आना है, अपना जो भी है ऑफिस में बैठना है, जो भी वर्कर्स लोग आएंगे दूसरे साइड से मटेरियल्स के लिए, जो भी आपका डिपार्टमेंट है स्टोर का वो देना है, लिखना है, आउट करना है, GM से साइन होगा, इनपुट आउटपुट होगा, और सामान जो रिसीव्ड होगा, जो आउटसाइड से आपका ऑर्डर होगा वो यहाँ पे आपको इन करके सामान को अरेंज किया जाएगा। तो क्योंकि मैं अभी इतना ही पे एंड कर रहा हूँ वीडियो, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो यही है स्टोर कीपर का काम। आप होप कि आपको समझ में आया हो, अच्छे तरह से मैंने जानकारी दिया हो। तो अगर ऐसे ही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो वीडियो तो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई जस्ट होप कि आपको कुछ समझ में आया हो कि स्टोर कीपर का वन डे का काम कैसा होता है। मैंने दो चीज़ बताया, आउटपुट और इनपुट, मैंने दोनों चीज़ बताया आपको। तो स्टोर में पहले, सबसे पहले आपको कोई भारी काम नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि बस इसमें दिमाग का काम है कि सबसे पहले आउटपुट केयरफुली करना होगा, सामान कितना गया, कहाँ गया, किस पैलेस में गया, कोड और क्वांटिटी, ये मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। और जो सामान आपके कंपनी में ऑर्डर हुआ है, मैंने अभी आपको दिखाया है,
उसमें आपको रिसीविंग जो है एकदम से बढ़िया से करना है। रिसीविंग इसलिए करना है कि क्वांटिटी अगर कम बेस हुआ तो आपको सैलरी कट कर दिया जाएगा। सैलरी कट कर दिया जाएगा वो तो अलग मसला है, आप कॉन्फिडेंस रहेगा, बढ़िया काम करेंगे तो आपका प्रमोशन भी होगा। आप एक असिस्टेंट भी आ रहे हैं स्टोर कीपर, असिस्टेंट तो स्टोर कीपर बन जाएंगे, बनेंगे, लाजिम बनेंगे, लेकिन काम दिखाना पड़ेगा। अच्छा सैलरी भी मैं बता दे रहा हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन था जब स्टोर कीपर का फुल डिटेल्स मैं बता रहा हूँ, तो सैलरी भी असिस्टेंट का बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। मैं ज़्यादा बता सकता हूँ आपको 5,000 4,000 दरहम भी बता सकता हूँ, क्यों बताऊँ? अरे भाई लोग जितने भी है जेन्युइन, इतने जो भी काम है मेरा जो वीडियो देख रहे हो वो बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे अगर इससे हेल्पफुल हुआ होगा। इसमें जेन्युइन मैंने बात बताया या नहीं बताया, मैं 1% मैंने कुछ अपने से ज़्यादा नहीं बताता हूँ जितना मेरे को मालूम है। तो असिस्टेंट का सैलरी जो हो जाएगा 1500 से 1800 के आसपास होगा, और एक्सपीरियंस होल्डर का 2000 से 25 3000 3500 तक भी सैलरी होगा इसका स्टोर कीपर का। तो होप कि मैंने हर चीज़ डिटेल्स बताया है, इनपुट आउटपुट अरेंजिंग रिसीविंग ये सब है स्टोर कीपर का काम, और सैलरी भी मैंने बता दिया है फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर का भी। तो होप कि ये वीडियो समझ में आया हो, अगर नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको चाहिए कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि कितने लोग भी देख रहे हैं, मेरा व्यू जा रहा है, नट सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख के चले जा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड और जॉब के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन यहाँ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।